इमरान खान साहब इलेक्टेड हैं पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम की जानिब से और सिलेक्टेड है अल्लाह ताला की जानिब से। इन नालायकों की हुक्मरानी के बाद अल्लाह ताला ने इस कौम के लिए एक अच्छा हुक्मरान सेलेक्ट किया और आवाम ने उसको इलेक्ट किया। कश्मीर का मुकदमा जिस अंदाज से हमारे कप्तान इमरान खान ने कश्मीर का जो मुकदमा लड़ा है, जिस अंदाज से उन्होंने कश्मीर पर इमरान खान साहब ने बात की है, उसके ऊपर सिर्फ छोड़िए मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, TRT टीवी, टर्किश टीवी जो कि उनका नेशनल टीवी है, उसके अलावा अल जजीरा और दुनिया के अखबार बोल रहे हैं और टीवी रिपोर्ट्स कर रहे हैं। ये TRT वर्ल्ड क्लेम की है, TRT वर्ल्ड क्लेम्स दैट PMIK इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी बाई फार इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये TRT वर्ल्ड इंडिया तुर्की का ऑफिशियल टीवी कह रहा है, वो कह रहे हैं ड्यू टू IK स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव स्टैंड ऑन कश्मीर, कश्मीरी हैव स्टार्टेड टू बिलीव इन पाकिस्तान अगेन, ए बिलीफ दैट हैड लॉस्ट ड्यू टू द वीक पॉलिसीज ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट। ये भी टर्किश टीवी कह रहा है कि लोगों को पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो गया है इमरान खान के आने के बाद, पहले जो एतमाद ये लोग खो चुके थे। और इमरान खान साहब की ऑन September 27, द डे इमरान खान डिलीवर्ड हिज स्पीच एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मोस्ट ऑफ विच फोकस्ड ऑन कश्मीर, वो ये बाहर के चैनल्स कह रहे हैं, अल जजीरा कह रहे हैं, पहली दफ़ा कोई वर्ल्ड लीडर, कोई मुसलमान लीडर आया जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है। नहीं तो ये तो वो लोग हैं जो कहेंगे वाई नॉट, ड्रोन मारना है वाई नॉट, अड्डे चाहिए वाई नॉट, ये एब्सोल्युटली नॉट करने के लिए दीन ईमान पर मुख्ता होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, विजन होना चाहिए।